अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आज मैं थोड़ी लो हुई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज वेदर चेंज की वजह से। एनीवे, सो आज है डे टू ऑफ माय डाइट, सो आज भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैंने पूरा दिन क्या खाया। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपना दिन शुरू किया अगैन 2 glasses of water। उसके बाद मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट की तरफ गई। सो बेसिकली मैंने अपना ब्रेकफास्ट कोई अराउंड 3 बजे किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना अब आदत नहीं रही है अब 12 बजे या 11 बजे नाश्ता करने की। तो मैं जब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने स्टार्ट की थी ना, तो तब मैं कोई 3-4 बजे खाती थी अपना फ़र्स्ट मील। सो मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं अगर उठ भी जाऊँ ना 11 बजे या टाइम से, तो मैं नहीं खा सकती। मुझे मतलब मैं सिर्फ पानी पे गुजारा कर लेती हूँ, बट मैं नाश्ता 2-3 बजे ही करती हूँ। अच्छा, सो नाश्ता आज मैंने बहुत सिंपल नाश्ता खाना पूरे दिन का बहुत सिंपल था, क्योंकि पता नहीं आज तबीयत बड़ी अजीब सी हुई भी थी और आज बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा था कुछ भी स्पाइसी या कुछ भी इस तरीके का हैवी खाने का। सो मैंने ब्रेकफास्ट में चाय ली, कॉफ़ी नहीं ली थी अगैन, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पीने की वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया। सो मैंने चाय पी और मैंने 2 brown bread के स्लाइसेस, उस पर मैंने अराउंड 2 teaspoon बटर के लगाए। बस यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट था। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी लंच की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था। सो ये कोई 4:30-5 बज रहे थे जब मैं अपना लंच प्रिपेयर करी थी। और मैंने एक्चुअली मैं अपना लंच जो किया है ना, वो एग्जैक्ट कोई 6:30 किया है, मतलब बहुत लेट। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत ही ऑफ डे था। सो मैंने लंच में चिकन एंड पोटैटो सैंडविच खाया था, जिसमें आप ले लें 100 ग्राम to 120 ग्राम मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया। देन मैंने 40 ग्राम बॉयल पोटैटोस, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना चिकन को मेजर कर लिया था, मेरे पास थोड़ा सा ही चिकन पड़ा था, लेकिन वो 100 ग्राम तक हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से काम चला लेते हैं। देन उसको क्यूब्स में कट करके चिकन टिक्का मसाला मैंने 1 teaspoon इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख दिया था। फिर इसमें जो वेजीज ऐड की थी वो मैंने कैबेज लिया था अराउंड 40 to 50 ग्राम, और उसके साथ मैंने 50 ग्राम एप्पल ले लिया था। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए लाइक 50 से 52 तो डैट्स फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना ऑयल मेजर कर लिया था, जिसमें मैंने अपना चिकन फ्राई करना था। सो मैंने 5 ml ऑयल, देन फ्राइंग पैन में 5 ml ऑयल ऐड करके, रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, लंच डिनर जो भी मैं प्रिपेयर करूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं फर्दर रेसिपीज़। अच्छा, यहाँ पे जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के दिन आजकल कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, तबीयत भी लो सबकी बड़ी अजीब सी हुई हुई है। मुझे तो एक दो दिन से बहुत ही लो फील हो रहा है, गला भी ख़राब हुआ हुआ है। बट अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात सोच रही थी वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि मैंने इससे पहले ना मरियम परवेज़ की जो अभी रीसेंट वीडियो है वो देखी थी, जिस पे उसने बात की थी कि अगर वो यूट्यूबर ना होती तो वो क्या होती, यू नो। सो स्किल के ऊपर बात हो रही थी, तो आई टोटली अग्री विद हर जो भी उसने कहा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली आज के ज़माने में, कि इवन अगर आपके पास डिग्री है ना, तो स्किल आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में लोग आपसे कुछ भी ले सकते हैं बट आपका स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। प्लस स्किल जो है वो डिग्री से नहीं आता, वो आपको डेवलप करना पड़ता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए। और आजकल तो घर बैठ के आप इतना कुछ सीख सकते हो, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो आप इजीली यूट्यूब पे रिसर्च करें, बाकी फजूल चीज़ें भी हम इतनी ज़्यादा देखते हैं, ड्रामे मूवीज़ पता नहीं क्या क्या। सो इट्स बेटर क्या यूट्यूब से आप कुछ काम की चीज़ भी सीखें,
यूट्यूब भरा हुआ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप पेड कोर्सेज़ करें। हाँ, पेड कोर्सेज़ ज़रूर करें, लेकिन अगेन पहले बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब से ले लो। और बहुत सारे लोग लाइक शी सेड कि आप बहुत सारी चीज़ों को करके आपको समझ आती है, सेम हैपेंड विद मी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं जो मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊँगी कभी। सो आई बिलीव इन दैट कि आप जितना ज़्यादा यू नो एक्सप्लोर करते हो ना अपनी क्रिएटिविटी को, तो आपको उतना ही ज़्यादा पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एक्चुअली में। सो आई बिलीव कि हर लड़की को, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या आप मदर हैं, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब जो हालात है ना पाकिस्तान के, और वैसे भी लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं सारे, लाइक कुछ भी अब डिफ़िकल्ट इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स पुट कर लो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ आती कि भाई हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम कौन सा स्किल सीखें। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में लाइक 1% भी इंटरेस्ट है ना, लेट्स से किसी को स्टिचिंग का शौक है या किसी को लगता है कि यार चलो मैं ट्राई कर सकता हूँ, सो ट्राई करें चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। यू नेवर नो कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर जाएं। सेकेंडली, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, तो अगर आपको लग रहा है कि यार चलो यहाँ इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज है या 1% भी मुझे इंटरेस्ट है, तो आप उस बारे में रिसर्च करें। तो रिसर्च करना बड़ा आसान हो गया, अब तो खैर यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो आई वुड रियली रियली एम्फसाइज, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सब लड़कियों को बोलूँगी, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आपके पास डिग्री क्यों नहीं है, आप कोई सॉफ्टवेयर सीख लो, आप स्टिचिंग सीख लो, आप एम्ब्रॉयडरी सीख लो, आप क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो। आजकल तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतनी सारी चीज़ें, आप फिल्टर्स बनाना सीख सकते हो, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जब आप रिसर्च करने बैठोगे यू विल नो कि कितना ज़्यादा काम है जो आप सीख सकते हो। हाँ, आई नो इट टेक्स टाइम, दिमाग खुलने में थोड़ा वक्त लगता है, बट हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, एंड ऑनेस्टली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके अलावा कमिंग बैक टू द डाइट, यहाँ पे हम डिनर तक पहुँच गए हैं जी। डिनर में मैंने खाई थी दाल मैंने। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, बिकॉज़ बहुत सारी और बातें भी होती है करने वाली। सो अगर मैं रेसिपी बताने लगूंगी तो वो मिस हो जाती हैं। सो आई रियली लाइक टू टॉक, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाता है ऑडियंस से। जितने भी अभी 37 सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, तो और बाकी जो न्यू हैं, जो मेरी वीडियोज़ जिन तक पहुँच रही हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा, सो यहाँ पे मेरी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने चने की दाल ली थी, आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं। मेजरमेंट्स वगैरह मैं सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम तड़का बना रहे हैं दाल का, जिसके लिए हमने 10 ml ऑयल, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और बस गार्लिक के 2 cloves लेके उनको हल्का सा फ्राई करके और बस तड़का लगाएंगे, देन द दाल इज़ रेडी। अच्छा, सो आई वॉज सेइंग कि आज का टॉपिक बस यही था कि आप स्किल सीखें, आप घर पे बैठ के, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी यूट्यूब पे रिसर्च करें, यूट्यूब से सीखें जितना सीख सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि यार चलो अब मुझे इस चीज़ पे पैसे लगा के इसका कोर्स करना चाहिए, देन गो अहेड विद दैट। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ासतौर पर आजकल औरतों को ज़रूर कुछ ना कुछ आना चाहिए, बीट एनी थिंग, जिससे आप अर्न कर सको। और अर्न करने के लिए तो आजकल मतलब सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट। अच्छा खैर, सो मैंने अपने भाई के लिए चिली फ्राइज़ बनाए थे, इसका जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियो इसकी अपलोड की हुई है। यहाँ पे मैंने हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि मेरी स्किन बहुत डल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक क्विक सा जो है ना आप लोगों को रेमेडी भी बताती जाऊँगी मैं साथ साथ वीडियोज़ में। सो ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, इसमें बस मैंने थोड़ा सा पोटैटो जूस और मिल्क ऐड कर दिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो ये जो है एक्चुअली जो मैंने पोटैटो और मिल्क का मिक्सचर बनाया था, सो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी टाइम के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और मैं रात को सोने से पहले इसको यूज़ कर रही हूँ। सो ये जो है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो करना क्या है, आपने बेसिकली
सो मैंने ये कॉटन पैड लिया है, इसको मैं इसमें डिप करूँगी इस तरीके से, इसमें सारा जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो गया है। सो आप क्या करेंगे इस तरीके से, मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बट आपने इस तरीके से इसको फेस पे अप्लाई करना है। सो नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माय फेस। ठीक है, इसको हमें अच्छे से, अगर आपको लेट्स से के लिप्स के अराउंड अगर आपकी डार्कनेस है या डार्क सर्कल्स भी हैं, फॉरहेड पे कुछ लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन होती है, नेक पे पिगमेंटेशन होती है, सो उन सब चीज़ों के लिए इट वर्क्स ग्रेट। सो आप सोने से पहले इसको 20 मिनट या 15 मिनट लगा लें एंड देन अपना फेस वॉश कर लें और फिर जो भी आप नाइट टाइम स्किन केयर करते हैं वो कर लें। सो मैं आपको अपनी नाइट टाइम स्किन केयर भी दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रही बिकॉज आई फील कि लेस इज़ मोर। एक टाइम था जब मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरी स्किन इतनी बुरी हो गई थी, मेरे पोर्स खुल गए थे और मतलब मेरा पूरा स्किन बैरियर जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। अपनी नाइट टाइम स्किन केयर करूँगी जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो नाइसिनमाइड है। सो अगर आपके ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा या आपकी स्किन पे स्कार्स हैं या ड्राइनेस है तो आप नाइसिनमाइड यूज़ करें। नाइसिनमाइड एक्चुअली बेस्ट काम करता है अगर आपके ओपन पोर्स हैं। तो ये B&B डर्मा का है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, आप उनके इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे मैं बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही बट एनीवे, लेकिन ये कोई बहुत ही बेस्ट नहीं है, इससे बेहतर ऑर्गेनिक ट्रैवलर का B3 Pro है, वो बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ दिस मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ आल्सो फ्रॉम B&B डर्मा। ये पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र है, अगर आपको रेटिनॉल के बारे में पता है तो यू वुड नो कि पेप्टाइड बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन के लिए। इसका टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी है, तो मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम किया। सो ये मेरी कोई सेकेंड हाँ दिस इज़ लाइक माई सेकेंड परचेज, और बस यही दो चीज़ें यूज़ करती हूँ। उसके साथ में बस थोड़ा सा वैसलीन लिप्स पे और अंडर आई के नीचे, बिकॉज एज अ टोल के मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं कोई ऑयल बेस्ड या वैसलीन जो है अपनी स्किन पे एक लेयर इसकी भी लगाती हूँ ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। और अभी मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है तो मेरी स्किन बहुत ही अजीब सी हो रही है, बट खैर आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको स्किन केयर के बारे में भी जानना है सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऑल्सो मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे स्किन केयर का भी बहुत शौक है। सो यस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।